हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ओ लेवल के अपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे लेक्चर नंबर 6 है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को मेमोरी के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो जो लोग भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो लास्ट हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और विद इन 2 क्लास के अंदर हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसके नोट्स वेबसाइट पे सीधा सीधा कंप्लीट एक टॉपिक के नोट्स मैं आपको वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हार्डवेयर के डेफिनेशन पे। तो हार्डवेयर मतलब क्या होता है, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब फिजिकल मतलब टेंजिबल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इन अ कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी डिवाइस, ऑल आर द हार्डवेयर। मतलब सीधा सा एक बात में सीधी सीधी बात है कि जिसको भी हम टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। और जिन्हें हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हार्डवेयर क्या होते हैं, दोज डिवाइसेस विच आर फिजिकली कनेक्टेड विद सीपीयू, ठीक है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें, थोड़ा सा और इजी वे में अगर आप लोग समझना चाहें तो और इजी वे में भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको और इजी वे डेफिनेशन बताता हूं, जैसे कि क्या है अगर हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है, हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी यहां पे पड़े हुए थे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते थे हमारे, जैसे कि क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड के बाद क्या हो गया, माउस हो गए, ये हमारा इनपुट है। इसी में अगर मैंने क्या लगा दिया है, कुछ आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पे लिख दिए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो बात हमारी से यहाँ पे हार्डवेयर की हो रही है। तो हार्डवेयर मतलब क्या होता है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए तो क्या हम लोग कीबोर्ड के टच कर सकते हैं, कर सकते हैं, माउस को भी कर सकते हैं, मॉनिटर को भी कर सकते हैं, प्रिंटर को भी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली जिसे हम टच कर पा रहे हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो अगर एक शॉर्ट में एक डेफिनेशन अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से भी हम लोग इसको कह सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस इज इक्वल टू हार्डवेयर, ठीक है। एक बार में सीधा सीधा इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस इज इक्वल टू हार्डवेयर, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, जिसको भी हम लोग टच कर सके वो हार्डवेयर होते हैं, जिसे हम लोग टच नहीं कर सके वो सॉफ्टवेयर। तो इनपुट डिवाइस के जितने भी एग्जांपल है और आउटपुट डिवाइस के जितने एग्जांपल है सभी हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का सीधा सीधा होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे कि अभी जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक एडिटर के यूज से टाइप कर रहा हूँ, बट हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर मीन्स फिजिकल कंपोनेंट, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या होंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। ऑल द डिवाइसेस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ योर कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर। देखिए बिना हार्डवेयर के क्या होगा, अगर माउस नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, तो कंप्यूटर का भी कोई एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है कंप्यूटर का कुछ, क्योंकि बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए हमें, ठीक है, हार्ड डिस्क, मेमोरी, ये सब की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हार्डवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नीड। देखो हार्डवेयर कैसा होता है, अपने हिसाब से जब जिसकी जरूरत होगी उस तरह का हम लोग हार्डवेयर यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी क्लास चल रही, कोई प्रिंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें नोट्स प्रिंट लेना होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की। तो क्या है, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग हार्डवेयर को यूज करते हैं। हार्डवेयर इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर इज नॉट मेड बाय वन कंपनी। और जो भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में जितने भी इंस्टॉल्ड होते हैं कोई एक कंपनी का नहीं हो सकता। हो सकता है मॉनिटर हम लोग एलजी का यूज कर रहा हो, और जो प्रिंटर हो किसी अदर कंपनी, सोनी, ब्रदर, कैनन का यूज कर रहे होंगे, तो क्या अदर अदर अलग अलग कंपनी के क्या होंगे, हमारे हार्डवेयर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिफॉल्ट कंपनीज देन असेंबल्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। क्या होता है, अलग अलग तरह की कंपनी इनको बनाती है और यूजर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ हार्डवेयर देन यू कैन बाय हार्डवेयर एंड असेंबल कंप्यूटर योरसेल्फ। जैसे कि बात यहाँ पे ये बोली जा रही है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सीपीयू हम लोग लेते हैं, तो सीपीयू हम लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि हमें हार्ड डिस्क 1 TB की चाहिए, रैम हमें 4 GB चाहिए, रोम हमें कितना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से क्या करता है, बता के हमारा जो सिस्टम है वो असेंबल करता है,
उसमें एक एक चीजें लगाता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है अगर आपको अच्छी नॉलेज है इन हार्डवेयर के बारे में तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने पर्सनल एक एक चीजें लेके आप खुद भी इसको असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए, सिस्टम केस चाहिए, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, सीडी रोम ड्राइव, मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, एक कम से कम सिस्टम में जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस इज इक्वल टू हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसपे अभी हम लोग देख रहे हैं ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी एक सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है ये हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप होते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेट परफॉर्म अ स्पेशल टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी हमारा कोई पर्टिकुलर काम को करे। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्राम, अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज देखें तो ये लिखा है, मैंने एक लाइन में डेफिनेशन दी है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैरीज मोर देन वन टास्क, ठीक है, दैट वी कैन नॉट टच, मतलब प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो एक या एक से ज्यादा काम को करे और उस काम को हम छू नहीं सकते। जैसे हार्डवेयर था, हार्डवेयर में क्या होता था, फिजिकली टच होता था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था हार्डवेयर का जस्ट अपोजिट जिसे हम लोग क्या टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं आप और ये भी कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विच यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी वही डेफिनेशन है, ये भी है, बस ये थोड़ा सा इजी वे में। ऑल प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर और एनी एप्लीकेशन आर नोन एज द सॉफ्टवेयर। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारे ओ लेवल में पाइथन है, ठीक है, और सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कहलाते हैं। और कंप्यूटर इज मेड ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायर टू ऑपरेट दीज डिवाइसेज। ठीक है, इन सभी डिवाइसेज को क्या है, ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जिस तरह का हम लोग काम करेंगे उस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ हम लोग जानेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर कैन बी फॉलोइंग टाइप, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा होता है ओपन सोर्स, और पांचवा होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं, जैसे कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आ रही, नाम से पता चल रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, आगे डेफिनेशन पे आ जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू रन एंड ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर विच हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेजिंग इंटरनल रिसोर्सेज। देखिए इनसे हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये जो अपना कंप्यूटर चल रहा है, हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हम विंडो 10 यूज करते हैं, विंडो 8 यूज करते हैं, 7 यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मेनी टाइप्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, असेंबलर, जो सिस्टम में हमारा जो भी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं हमारा काम आसानी से हो पा रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिस वजह से हमें अपने काम को करने में आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, टू रन एंड अपडेट ए कंप्यूटर, ठीक है, अपडेट करता रहता है, टू प्रिपेयर प्लेटफॉर्म फॉर रन एप्लीकेशन प्रोग्राम, टू यूज वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब जैसे कि मान के चलिए अपना ये सिस्टम चल रहा है, मुझे इसमें प्रिंटर लगाना, तो हम प्रिंटर का क्या लगाएंगे, यूएसबी लगाएंगे, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो वो हो गया सिर्फ सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, और प्लस अगर हम यहाँ पे प्रिंटर यूज करेंगे तो प्रिंटर चलेगा सिस्टम में, तो क्यों, क्योंकि उसमें फैसिलिटी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कि वो हमारे सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को चलाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए नाम से पता चल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कुछ खास कामों के लिए बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, किस तरह से बोले, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहा है। पर्टिकुलर टास्क क्या, जैसे कि यहाँ एप्लीकेशन क्या लिखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वन सच प्रोग्राम विच इज यूज टू कम्प्लीट अ स्पेशल टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का मतलब है एमएस ऑफिस, जैसे वर्ड है, एमएस वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइपिंग का काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हम एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल का काम कर लें, नहीं, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो किसी स्पेशल टास्क, जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कम्प्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरा स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने यहाँ सिलेबस में भी, तो जो एक्सेल होगा, एक्सेल में हमारी शीट्स वगैरह बनती हैं, तो वो क्या हो गए, उस पर हमारी शीट तैयार होती हैं, तो हमारे एक्सेल के ऊपर वर्ड का काम नहीं कर सकते। ऐसे पेरोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर
होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह जैसा काम उस तरह आपसे सॉफ्टवेयर, जैसे फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप यूज होता है, ठीक है, इनविटेशन कार्ड वगैरह जो हमारे बनते हैं शादियों के कार्ड वगैरह तो कोरल ड्रॉ पेज मेकर से मिलके बनते हैं, अकाउंटिंग के लिए टैली होता है, तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना कोई पर्टिकुलर काम होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, लाइक एमएस ऑफिस, फोटोशॉप सेकंड विच इज यूज टू स्पेशल टास्क। एमएस ऑफिस पूरा पैकेज ऑफिस के अंदर क्या आएगा, वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, ऐसी फोटोशॉप का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फोटो वगैरह एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉप का यूज होते हैं। तो सारे अब ये नहीं है कि एमएस ऑफिस फोटोशॉप का काम कर ले, नहीं नहीं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, फिर तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसलिए, लेकिन क्या है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाए, जैसे लाइक बैंकिंग सिस्टम ये सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने जो इसमें पढ़ेंगे सिलेबस में वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ही हमारे क्या है सिलेबस में, वर्ड को क्या बोलते हैं राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर, और एक्सेल के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क है, और जो हमारा इम्प्रेस है जो पावर पॉइंट है उसके लिए क्या है इम्प्रेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एंड एनालाइज कॉन्फिगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर, मतलब पूरे सिस्टम को क्या एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखे। अगर एक लाइन में कहें तो जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, किस लिए इंस्टॉल करते हैं, ताकि सिस्टम में वायरस नहीं आए, तो क्या होगा पूरे सिस्टम को क्या करें मेंटेन करके जो सॉफ्टवेयर रखे हमारे सिस्टम को कोई भी प्रॉब्लम ना होने दे, वायरस ना आने दे, तो वो हमारे क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट इज यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो अ बेसिक सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज यूजुअली रिस्टोर्ड व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स कहते हैं। जैसे एंटीवायरस क्या करता है सिस्टम को वायरस से बचाता है, उसी तरह से हमारे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओएसएस जिसको बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट यूजर टू राइट द स्टैक। देखिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे हम लोग इनका यूज नहीं करते कुछ, लेकिन इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो कंपनी होती है वो लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इन विच सोर्स कोड इज रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस होगा वही इसका यूज कर पाएंगे। लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट यूजर टू राइट टू स्टडी चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनीवन और एनी पर्पस, मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग ही होंगे जो इन सॉफ्टवेयर में चेंजिंग कर पाएंगे, जिनके पास क्या होगा लाइसेंस होगा, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अगर करेंगे तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वही इसको क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आज वर्ड 2019 चल रहा है, ठीक है, 16 भी आया, 7 भी आया, ठीक है, तो क्या हुआ इनके पास लाइसेंस लाने हैं, क्योंकि मान के चलिए कुछ यूजर ऐसे होंगे इसमें जिनके पास लाइसेंस है और हम लोग क्या कर लेते हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं, कैसे वर्जन बढ़ रहा है 7 हुआ फिर 16 आया फिर 19 आया, तो क्या है कुछ ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस है चेंज करने का और फिर उसको रिलीज करने का लिए और लोगों के ग्रांट यूजर टू एक्सेप्ट राइट टू स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर टू एनीवन फॉर एनी पर्पस, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी डेवलप्ड इन अ कोलाबरेटिव पब्लिक मैनर, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज प्रोमोट द एग्जाम्पल ऑफ ओपन कोलाबरेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट विद सोर्स कोड दैट मे रीड एंड मॉडिफाई बाय द यूजर, ठीक है, वही सब बता रहा है कि मतलब सिर्फ जिनके पास लाइसेंस होगा वो या फिर लाइसेंस देंगे जिनको तो वो ही इस सॉफ्टवेयर को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ प्राइमरली कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी बॉट रिलीज एंड लाइसेंस फ्रॉम द वेंडर डेवलपर। इन जनरल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड यूजर एंड सब्सक्राइबर विद द एक्सेस द सोर्स कोड इट कैन बी परचेज और लाइसेंस फॉर फ्री। देखिए दो तरह से होता है, या तो हम इसको खरीदें या फिर हम इसका या फिर तो देखो जैसा रहेगा, अगर वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो भी प्रोप्राइटरी रहेगा, और कुछ सॉफ्टवेयर क्या है बिना लाइसेंस के भी दे सकते हैं तो वो आपको क्या रहेगा फ्री रहेगा। लाइसेंस के लिए हमें फी पे करनी पड़ती है, तो वही लिखा हुआ इट कैन बी परचेज और लाइसेंस फॉर फी, या तो इसको खरीदिए या फिर इसकी लाइसेंस की फीस दीजिए। बट रिलाइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपिंग इज प्रोवाइड मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर एंड बाय इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, द रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन इम्पोज बाय द वेंडर डेवलपर और द प्रोप्राइटरी एलोबरेट विद इन द एंड यूजर लाइसेंस्ड एग्रीमेंट टर्म्स एंड सर्विस और अदर द लेबर। मतलब ये देखा जाए तो हमारे जैसे आप लोग ओ लेवल का सिलेबस कर रहे हैं उसके लिए मतलब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, बस समझने का है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, मैक, ओरेकल जावा एक्सेट्रा आर द मेन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब इनको हम लोग फ्री में इंस्टॉल नहीं कर सकते,
ठीक है। अब जैसे कि वो ठीक है कि हम लोग कॉपीराइट्स वगैरह वर्जन हमारे लगे, लेकिन अगर लाइसेंस वाले लोग तो उसमें फैसिलिटी अलग ही मिलेगी। तो लाइसेंस के लिए, प्रीमियम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट पे करना ही पड़ता है और तब जाके हमें ये सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने देखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे क्या किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को क्या होता है चलाने में हेल्प करते हैं एक और सिस्टम को क्या है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको पूरा मैनेज करके रखते हैं वो यूटिलिटी, जैसे एंटीवायरस, ओपन सोर्स जिसको क्या होता है लाइसेंस जिनको देगी वो उन्हीं लोगों के पास इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं उसमें कोडिंग वगैरह चेंज करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए हमें एक कुछ अमाउंट देना पड़ता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं फिर इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, जावा, ओरेकल, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर रहा होगा जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके साथ ही फिर मैं आपको वेबसाइट पे कंप्लीट जितनी हमने क्लासे ली हैं उनके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री क्लासेस का बेनिफिट्स ले सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।